Hello everyone, good morning all of you. This is Nidhi Dhruv, a law graduate and a company secretary. I welcome all of you to this wonderful platform of an academy, and I welcome all of you to my today's YouTube class of newspaper analysis. Hello guys, hello ji, hello. How are you everyone? I hope aap sab theek ho. Mera bhi awaaz better hai Saturday ke din se abhi. Okay. Today 25th of October है and I am back again with the newspaper analysis session. आज मंडे है. आई होप आप लोग सब लोग संडे के बाद एकदम रिफ्रेश होके रेडी हो सेशन के लिए. सो गाइज दिस सेशन आई टेक रेगुलरली फ्रॉम मंडे टू सैटरडे एवरी डे 6 days इन अ वीक लेती हुई है. 10:15 to 11 के बीच में 45 minutes का ये सेशन होता है जिसमें आपके मेजॉरिटी करंट अफेयर्स कवर हो जाते हैं. सो करंट अफेयर्स अपडेट रेगुलर बेस पे करने के लिए ऑलवेज ट्यून इन टू माई न्यूज पेपर एनालिसिस सेशन गाइज. ये सेशन आई ऑल्सो मेक श्योर के आई डोंट मिस एंड आई यू गाइज ऑल्सो मेक श्योर दैट यू डोंट मिस इट एवर बिकॉज अपडेटिंग योर करंट अफेयर्स एवरी डे ऑन रेगुलर बेसिस इज सुपर इम्पॉर्टेंट. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप क्या करोगे, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को सो दैट आप मिस ना करो एक भी सेशन मेरा. आपको रोज नोटिफिकेशन आएगा. आपको दिन में कभी भी टाइम है तभी बैठ के अपने रिकॉर्डिंग देख लो सेशन का या लाइव देख लो, बट आप ये सेशन रोज मिस मत करो. सोने के पहले ही देखना है, ये मेक श्योर करो. ठीक है, ये सेशन कैसे कैसे हेल्पफुल होगा. सो इट विल बी हेल्पफुल इन मल्टीपल वेज इन वेरियस वेज. इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपेरिंग योर करंट अफेयर्स ऑफ कॉज जी के. और करंट अफेयर्स तो अपडेट होता ही है, ये तो बेस्ट पार्ट है ही. बट उसके अलावा बिसाइड दैट इवन फॉर इंग्लिश एंड लीगल रीजनिंग ये सेशन आपको काफ़ी हेल्प करता है. ठीक है, द हिंदू का लैंग्वेज इज क्वाइट नाइस, क्वाइट यूजफुल. तो उसका वोकैबलरी आपका डेवलप होता है अच्छे से. लीगल रीजनिंग रिलेटेड भी कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आई कीप टेलिंग यू गाइज, सो आपको वो भी पता चलेगा. ठीक है, एंड उसके अलावा नोट्स मेकिंग, कौन से करंट अफेयर्स का नोट्स बनाना है, न्यूज़पेपर से कैसे नोट्स बनाना है, इस चीज़ की भी हेल्प आपको मिलती है. तो जो भी न्यूज़ के बाजू में मैं ब्लू से स्टार मार्क कर लेती हूँ वो न्यूज़ की नोट्स बनानी होती है. नॉट नेसेसरी एवरी हाईलाइटेड न्यूज़ यू आर सपोज टू एंटर इन टू नोट्स, नो, ओनली द वंस विच आई स्टार मार्क आप उसका नोट्स बना सकते हो. आपको नोट्स मेकिंग में भी यहाँ हेल्प होगी. सो है ना बढ़िया लेक्चर, ये है ना बड़ा सेशन, बढ़िया सा सेशन. ज़रूरी अटेंड कीजिए रेगुलर बेसिस पे विदाउट फेल, बहुत फ़ायदा होगा. बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज हो रहा है ये, करेक्ट. और आप तो खुद अटेंड कीजिए ही कीजिए, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स कलीग्स नेबर्स सबके साथ शेयर अबाउट दिस क्लास. पुट ऑन योर व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी, वहाँ शेयर बटन है, क्लिक कीजिए शेयर बटन को और आप अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स रिलेटिव्स कलीग्स के साथ शेयर कीजिए क्लास के बारे में. ओके, ऑलराइट. सो नए स्टूडेंट्स के लिए मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स तो मुझे जानते ही है, मैं नए स्टूडेंट्स को मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा दे देती हूँ. सो गाइज आई एम निधि ध्रुव, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी. आई एम हैविंग 8+ years एक्सपीरियंस इन टीचिंग फॉर वेरियस लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स. आई वॉज अर्लियर एसोसिएटेड विद आई एम एस लर्निंग रिसोर्सेज. I'm still associated with CS and Cost Accountant Institute, where I teach law subjects for CS and Cost Accountant students. And I really love interacting with all the lovely students like you and sharing my knowledge. So yeah guys, that's me. हम लोग अभी newspaper analysis कर रहे हैं. ये जो बढ़िया से features आप अपनी screen पे देख रहे हो, these are Unacademy features. Unacademy ये platform बहुत ही ज़्यादा wonderful platform है, ज़रूर join कीजिए. ट्रस्ट माई वर्ड्स, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. सो अन अकेडमी अगर आप अभी तक डाउनलोड नहीं किया, गो टू योर प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप. ओके, अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आपको साइन अप करने के लिए कोड पूछेंगे. यू कैन यूज़ माई कोड निधि लाइव, एंटर करने के लिए मेरा कोड निधि लाइव एंटर यूज़ कर सकते हो. ठीक है, अन अकेडमी पे दो टाइप के क्लासेस होते हैं गाइज, फ्री क्लासेस एंड पेड क्लासेस. तो फ्री क्लासेस को वी कॉल स्पेशल क्लासेस एंड पेड क्लासेस को वी कॉल इट एज प्लस क्लासेस. तो फ्री क्लासेस पहले तो आप देखिए कुछ दिन,
आपको टीचिंग कैसा लग रहा है? ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा, एनएलयू एल्यूमनाइज और बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ा रहे हमारे जैसे, अच्छा तो लगने ही वाला है। तो आपको जैसे ही अच्छा लगे, आपको लगे कि टीचिंग बढ़िया है, आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सब्सक्रिप्शन लेके आप ये सारे बैचेस अटेंड कर पाओगे जिसमें हर एक सब्जेक्ट आपका अच्छे से, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है। सो प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको बैचेस ज्वाइन करना है। ये वाली बात 27 तारीख से परसों से चालू हो रही है, वेनसडे से। ये वाली बात जो है 29 फ्राइडे से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 2023 एस्पिरेंट के लिए। सो 2022 और 2023 एस्पिरेंट्स के लिए हर वीक कुछ ना कुछ बैच चालू होती है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, फिर आप कोई भी बैचेस ज्वाइन कर पाओगे। अभी सब्सक्रिप्शन लेने में थोड़ा जल्दी तो करना चाहिए गाइस, बिकॉज आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सिलेबस कंप्लीट अच्छे से करोगे और प्रॉपर रिविजन करोगे, मॉक टेस्ट क्विजेस प्रैक्टिस करोगे, तब जाके क्रैक होगा क्लैट। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ये सारी प्राइजेस है, अभी न्यू ऑफरिंग 9 मंथ्स का भी है हमारे पास, ठीक है। यूज़ माई कोड निधि लाइव फॉर एडिशनल 10% डिस्काउंट। कौन सा कोड यूज़ करोगे? निधि लाइव, ये कोड मत भूलना 10% एडिशनल डिस्काउंट के लिए। ऑलराइट गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक, तनुप्रिया एंड राहुल, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, देन आई वाज टॉकिंग अबाउट माय स्पेशल क्लास, फ्री क्लास। तो आज मेरी कौन सी फ्री क्लास अन अकेडमी पे हो रही है? ये जो है अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे होगी मेरी फ्री क्लास। स्टैटिक जीके की क्विज करवाऊंगी। काफी स्टूडेंट पूछते हैं स्टैटिक जीके कैसे प्रिपेयर करें, कौन से बुक से प्रिपेयर करें। नहीं, इधर क्विज के थ्रू प्रिपेयर कीजिए, ऑलरेडी आना जरूरी नहीं है, क्विज के थ्रू आ जाएगा, याद हो जाएगा। ये क्विज इतनी फन क्विज रहेगी, ठीक है। तो आज रात को 9:30 से 10:30 ये स्टैटिक जीके के क्विज में आ जाइए सब लोग। लाइव क्विज फीचर बढ़िया सा फ्री वाला है, यूज कीजिए। यू लैड वीकली T20 टेस्ट दिया कीजिए। सैटरडे यू लैड होता है, मंडे टू फ्राइडे वीकली T20 टेस्ट, विच इज ओपन फॉर एवरीवन। जरूर दीजिए, फ्री है सबके लिए। 20 मिनट 20 मार्क 20 क्वेश्चन का टेस्ट है। आज मंडे को इंग्लिश का टेस्ट होगा, जरूर दीजिएगा। एंड ये अन अकेडमी क्लैट का यूट्यूब चैनल जो है उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आप एक भी मेरा सेशन मिस ना करो। कमेंट ऑन आर वीडियोज, हाउ डू यू फील, कैसा लग रहा है आपको वीडियोज, एंड लाइक एंड शेयर भी कीजिए। थोड़ा प्यार, थोड़ा मोटिवेशन दिखाइए गाइस, ओके। जल्दी से शेयर किया है या नहीं सबने अपने क्लास, ये क्लास के बारे में? जल्दी से अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल दो उस क्लास के बारे में। वेरी गुड मॉर्निंग सृष्टि। तो आज 25th October मंडे का दिन है, मैंने मुंबई एडिशन लिया हुआ है, एंड क्या क्या इम्पोर्टेंट है न्यूज़पेपर में, लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। JNK इज नाउ फ्री ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स बाय 3 फैमिलीज, मिस्टर अमित शाह से इसो। सो मिस्टर अमित शाह आर यूनियन होम मिनिस्टर, ही हैज़ गॉन फॉर 3 डेज विजिट टू जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में 3 दिन की विजिट पे गए मिस्टर शाह, और वहाँ का ऑफकोर्स अभी JNK में थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा था, मिलिटेंट्स के अटैक्स चल रहे थे, तो उन्होंने वहाँ विजिट किया है, लोगों को अश्योर किया है कि अभी यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर जो है वो स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स, जो 3 फैमिलियों की चल रही थी इतने टाइम से, इतनी गवर्नमेंट सिर्फ 3 फैमिली वाले ही बना सकते थे, ऐसा अभी नहीं रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। एनी ग्रास रूट रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी अभी नया आया हुआ रिप्रेजेंटेटिव भी यूनियन मिनिस्टर या CM बन पाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। ये बड़ा बढ़िया काम हमारे गवर्नमेंट ने, BJP गवर्नमेंट ने किया है। दिस इज वॉट मिस्टर शाह हैज मेंशनड इन हिज स्पीच ओवर देयर, ओके। सो ये ध्यान में रखने वाला न्यूज है। हालांकि हम लिखेंगे नहीं इसको, कि जैसे एक पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी एक दूसरे के बारे में कमेंट करते रहते हैं, वी विल नॉट राइट अबाउट दिस न्यूज, इसे हम स्टार मार्क मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है, जस्ट ध्यान में रखना है ये ऊपर ऊपर से। ये वाली न्यूज जरा मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, ये लिखनी है, क्वाइट इंपॉर्टेंट। चाइनाज न्यू लॉ फॉर्मलाइजेज इट्स LAC एक्शंस, ओके। सो चाइना का जो नया लॉ है, उनकी जो बॉर्डर पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पे जो एक्शंस ले रहा है उसे फॉर्मलाइज कर रहा है ये नया लॉ, ठीक है। सो चाइना इज स्ट्रेट अवे एक्टिंग यू नो बैडली, मतलब LAC पे वो थोड़े
उनके नाटक हम बोलेंगे चालू हो चुके हैं। और वो एलएसी, भूटान और इंडिया दोनों के साथ डिस्प्यूट है उनका एलएसी पे। तो ये एलएसी पे जो एक्शंस ले रहा है ना, उसी को फॉर्मलाइज कर रहे हैं वो चाइना का नया लॉ। हाउ, लेट अस सी। सॉरी, चाइनाज लेजिस्लेचर अडॉप्टेड अ न्यू बॉर्डर लॉ, बॉर्डर के लिए नया लॉ लाए हैं जो 1 जनवरी से इफेक्ट में आएगा। इसमें लिखा गया है कि स्टेट एंड मिलिट्री टू सेफगार्ड टेरिटरी एंड कॉम्बैट एनी एक्ट्स दैट अंडरमाइन चाइनाज टेरिटोरियल क्लेम्स। एक नया लॉ ला दिया कि स्टेट को और मिलिट्री को इन चाइना के जो टेरिटरी उसको सेफगार्ड करना है, और इसके लिए कोई भी एक्ट ऐसा होगा, कोई भी ऐसी एक्शंस होगी जो चाइना के टेरिटोरियल में अंदर एंटर होने की ट्राई करे, वो एक्ट्स को कॉम्बैट करने का पावर मिलिट्री और स्टेट को, मतलब गवर्नमेंट को दे दिया गया है थ्रू दिस लॉ। चाइना हैज अनरिजॉल्व्ड बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद इंडिया एंड भूटान, दोनों के साथ उनका डिस्प्यूट है। द न्यू लॉ ऑब्जर्वर्स सेड would formalize some of China's recent action and disputed territories with both India and Bhutan. So India और Bhutan के साथ अभी जो dispute चल रहा है borders पे, उसको formalize कर रहे हैं कि ये dispute चलते ही रहने वाला है, ऐसा action ऐसा दिखा रहा है ये law, including the PLA's massing of troops in forward areas along the India border. तो India border पे हमारे LAC लद्दाख में जो border पड़ रहा है वहाँ पे जिस तरीके से उनका जो आर्मी है PLA, उनका जो मास लेवल पे ट्रूप्स इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, आगे आ रहा है, बॉर्डर के नज़दीक आ रहा है, वो भी फॉर्मलाइज हो जाएगा आफ्टर दिस लॉ। एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फ्रंटियर विलेजेस अलोंग द बॉर्डर विद भूटान भी, ये भी फॉर्मलाइज हो जाएगा ये लॉ के थ्रू। ये बड़ा ही ख़राब चीज़ होगा, इंडिया के लिए ख़राब न्यूज़ होगा और भूटान के लिए भी ख़राब न्यूज़ होगा। मैंने स्टार मार्क किया है, जितना भी हाइलाइटेड है ग्रीन में उतना आपको लिखना है ये न्यूज़ के लिए, ठीक है गाइस। सृष्टि, एट दिस लेवल अगर आप लोग 70-80 भी स्कोर करते हो तो इट्स अ गुड स्कोर, आई फील सो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, तो हम सबको बताया कि मिस्टर आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे, इज अंडर अरेस्ट, NCB उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो ऑफ कोर्स हमें ये इंडिया में कॉमन है, आप सबको पता है, मूवीज से लेके रियलिटी में हमने सब में देखा हुआ है कि ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोगों के बच्चे या इन्फ्लुएंशियल लोग खुद अगर अंडर अरेस्ट होते हैं तो वो कैसे अथॉरिटीज पे पूरा ब्लेम डाल देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है आर्यन खान केस में भी। इन अ ट्विस्ट क्या हुआ है, NCB के अगेंस्ट सारे चार्जेस डाल दिए गए हैं कि एक एक बंदे को ऐसा बता दिया कि यू नो उन्होंने एक विटनेस ने ऐसा अलेज किया, एलिगेशन डाला कि NCB के अथॉरिटी ने स्पेशली समीर वानखेड़े, हु इज वेरी फेमस फॉर टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दीज सेलिब्रिटी किड्स ऑल्सो, उनके अगेंस्ट एलिगेशन डाल दिए हैं एक विटनेस ने, सेइंग कि बैंक पेपर्स पे मेरे को NCB वालों ने धमकी देके साइन करवाया था, ओके। और इसी के चक्कर में आर्यन खान के अगेंस्ट ये गवाही उन्होंने दिखाई है, मैंने ऐसी कोई गवाही नहीं दी है। और उन्होंने, वो विटनेस ने बोला कि मैंने इवन ओवर ईयर किया था कि 8 करोड़ इस चीज़ के लिए NCB को मिल रहे हैं। सो उल्टा ऐसा हो गया, सो बेसिकली NCB पे पूरे चार्जेस डाल दिए गए, एलिगेशंस डाल दिए गए। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन इंडिया, इट्स सैड। सो ये एक न्यूज है, ध्यान में रखना। स्टार मार्क करी इसको, मैंने जितना अंडरलाइन किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, वो लिखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज कौन सी है देखते हैं। Villages on Periyar banks in alert mode. So we all know that Kerala or South में थोड़ा issue चल रहा है floods का लेके, बहुत बारिश हो गई, unusual rain, उसके वजह से dam बहुत full हो गए।
पेरियार विलेज, पेरियार के बैंक्स का के पास वो अलर्ट मोड में है, डैम ओवर उनकी लिमिट से ज़्यादा फुल हो चुके हैं. सॉरी दैट इज नॉट इन केरला एग्जैक्टली, इट्स इन तमिलनाडु. सो सॉरी माई बैड. से तमिलनाडु में ये हुआ है. साउथ में अभी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है बारिश को लेके. ठीक है, दैट्स द इश्यू. ये सिर्फ ध्यान में रखना है, लिखना नहीं है हमें अभी. ओके, नाउ लेट अस सी द एडिटोरियल पेज. एडिटोरियल पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के दिन का. दोनों ही एडिटोरियल्स आज इम्पॉर्टेंट है, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसे. वेरी गुड मॉर्निंग संजीव. हेलो जी नीलाक्ष, वेरी गुड मॉर्निंग. मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो? ओके, सो आज के दोनों एडिटोरियल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. लेट अस सी इन डिटेल क्या क्या है ये एडिटोरियल में. तो फर्स्ट एडिटोरियल है नो चेंज. द FATF मस्ट इंश्योर दैट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पाकिस्तान कम्स टू एन इफेक्टिव कंक्लूजन. तो वी ऑल नो अबाउट दिस दैट, जस्ट अ सेकंड गाइस. या सो वी ऑल नो अबाउट दिस के पाकिस्तान को FATF ने अभी भी ग्रे लिस्ट में रखा है, देर इज नो चेंज. तो लास्ट 3 साल से इवन दो पाकिस्तान कंप्लायंस नहीं कर रहा है FATF के रेगुलेशंस का, और FATF ने जो कंप्लायंसेस करने को बोला है उनका, फिर भी उनको ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा रहा है, ग्रे लिस्ट में ही कंटिन्यू हो रहा है अभी तक. उसी के बारे में नो चेंज ऐसा हेडिंग दिया हुआ है. ठीक है, सो FATF मस्ट इंश्योर दैट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पाकिस्तान कम्स टू एन इफेक्टिव कंक्लूजन सून. तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इन्वेस्टिगेशन है वो जल्दी से ही कंक्लूजन उस पे आए. तो एडिटर का इधर ये बोलना है, कंक्लूजन का मतलब कि ब्लैक लिस्टेड अभी जल्दी से होना चाहिए, ग्रे लिस्ट में 3 साल से आप चला रहे हो उनको. ओके नीलाक्ष, सो इन अ रिपीटेशन ऑफ इट्स डिसीजन ओवर द पास्ट 3 ईयर्स, द FATF सेड, देखिए पास्ट 3 ईयर्स से उनका डिसीजन वही हो रहा है ग्रे लिस्ट पे कंटिन्यू करना. सो FATF सेड दैट मेंबर्स ऑफ 39 मेंबर ग्रुपिंग वोटेड टू रिटेन पाकिस्तान ऑन इट्स ग्रे लिस्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग. सो बोल FATF, आप लोग ये सब स्टैटिक फैक्ट है, ध्यान में रखना. 39 मेंबर्स का ग्रुपिंग है, 39 कंट्रीज की मेंबर्स का ग्रुपिंग है जो मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने का काम करता है ये ग्रुपिंग FATF. ठीक है, ये मेंबर ग्रुप 39 मेंबर्स के ग्रुप ने वोट करके पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट पे विथ इंक्रीज मॉनिटरिंग रखना है, ऐसा डिसीजन लिया है. द FATF विच एवेल्युएट्स कंट्रीज ऑन एफर्ट्स टू चेक टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग ऑल्सो प्लेस टर्की ऑन ग्रे लिस्ट एंड क्लियर मॉरिशस फ्रॉम इट. तो ये साल की मीटिंग में, अभी जो रिसेंटली मीटिंग हुई, तो उसमें टर्की को ये FATF देखता है, एवेल्युएट करता है कंट्रीज को कि वो टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को कितना कम करने की ट्राई कर रहा है कंट्री, उस हिसाब से लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट वगैरह करता है. सो मॉरिशस को ग्रे लिस्ट हटा दिया और टर्की को ग्रे लिस्ट में किया है और पाकिस्तान को कंटिन्यू किया है ग्रे लिस्ट में. FATF फाउंड आउट दैट पाकिस्तान हैड क्लियर 30 ऑफ टोटल 34 टास्क असाइंड इन 2 बैचेस. सो पाकिस्तान को 34 टास्क दिए गए थे, उसमें से 30 उन्होंने क्लियर किए हैं एंड 4 फेस अनदर रिव्यू इन फेब्रुअरी 2022. एक और रिव्यू किया जाएगा फेब्रुअरी 2022 में, तब तक जो बाकी के 4 टास्क है वो भी हो जाने चाहिए. इन पर्टिकुलर द FATF प्रेसिडेंट मार्कस प्लेयर, तो ये सारी स्टैटिक जीके लिख लेना, हु इज द FATF प्रेसिडेंट, ही सेड दैट पाकिस्तान हैड फाइल्ड फेल टू रिजॉल्व द सिंगल टास्क दैट रिमेन्स फ्रॉम द फर्स्ट बैच. तो पहले बैच से एक टास्क जो है वो पहले से बाकी है, अभी तक वो लोग नहीं कर रहे हैं. Of demonstrating that effective investigations and prosecutions are being pursued against the senior leadership at United Nations designated terror groups. So, United Nations, UN ने जो terrorist group को declare किया है कि इसको, इन लोग को terrorist group में डाला जाएगा, उनकी senior leadership के against investigation और prosecution पाकिस्तान को करने हैं, ये उनका task था in the first batch. जो अभी तक अनरिजॉल्व है वो लोग कर ही नहीं रहे. सो दिस इज क्लियरली शोइंग हाउ मच पाकिस्तान इज सपोर्टिंग द टेररिज्म.
फ्रॉम न्यू दिल्ली पर्सपेक्टिव द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दीज आर जैश ए मोहम्मद. न्यू दिल्ली के हिसाब से किसके अगेंस्ट बोला है तो जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर, लश्कर ए तैयबा चीफ आजीफ सईद, दाऊद इब्राहिम एंड अदर कमांड एंड कंट्रोल चीफ ऑफ टेरर ग्रुप्स दैट टारगेट इंडिया. इन सबके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन करना था जिन्होंने इंडिया को टारगेट किया है. जैसे कि 26/11 के मुंबई अटैक्स हुए थे इन 2008, मुंबई की 9 ट्रेन पे 9 ट्रेन लोकल ट्रेन में बॉम्ब्स रखे गए थे और हजारों लोग मारे जा चुके थे उसमें. IC 814, आई एम सॉरी दैट इज नॉट 26/11 अटैक्स, 26/11 माई बैड, आई एम सॉरी. 26/11 अटैक्स आर ताज अटैक्स. ताज और ओबेरॉय ये होटल्स में जाके घुस गए थे. छत्रपति शिवाजी VT स्टेशन पे जो लोग घुस के कसाब वगैरह ने सबको शूट किया था वो वाला अटैक है 26/11, आई एम सॉरी. IC 814 हाईजैकिंग इन 1999, तो कंधार में लेके गए थे हमारा प्लेन हाईजैक करके वो वाला. अटैक्स एंड बॉम्बिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, ये सारे टेररिस्ट अटैक्स किए हुए इंडिया पे. ओके, इट इज इंडीड डिसअपॉइंटिंग दैट इंक्रीज मॉनिटरिंग बाय द FATF ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 2008 टू 2009, 2012 टू 2015 एंड 2018 टू 2021 हैज फेल्ड टू इंश्योर दैट व्हाइल सम ऑफ दीज लीडर्स हैव बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ फॉर टेरर फाइनेंसिंग चार्जेस इन पाकिस्तानी कोर्ट्स, नन ऑफ देम हैज बीन इफेक्टिवली प्रोसिक्यूटेड फॉर वायलेंस इन इंडिया. सो इवन दो FATF इतने सालों से मॉनिटर कर रहा है बट इंडिया में टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, भले उनका कभी पाकिस्तान कोर्ट्स में उनके अगेंस्ट कन्विक्शन या यू नो प्रोसिक्यूशन फॉर्मेलिटी जैसा हुआ है, बट इंडियन कोर्ट्स में अभी तक उनको प्रोसिक्यूट हम नहीं कर पाए हैं. दैट इज सो अनफॉर्चुनेट. दीज मच डिलेड आउटकम्स स्पीक एज मच टू पाकिस्तान लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑन टेररिज्म एज टू FATF ओन लैक ऑफ इफेक्टिवनेस. तो ये जो चीज़ें हैं ये ऑफकोर्स दिखाती हैं कि पाकिस्तान तो क्रेडिबल है ही नहीं टेररिज्म काम करने के लिए, बट साथ साथ में FATF भी कितने हद तक इफेक्टिव है ये भी इससे पता चलता है कि उनकी मॉनिटरिंग होने के बावजूद हम कोई प्रोसिक्यूशन इंडिया में नहीं कर पाए हैं वो सारे टेररिस्ट ग्रुप के चीफ के अगेंस्ट. डिस्पाइट पाकिस्तान फेलियर टू फुलफिल इट्स टास्क लिस्ट, FATF प्रेसिडेंट हैज मेड इट क्लियर दैट दे आर नॉट कंसिडरिंग प्लेसिंग पाकिस्तान ऑन ब्लैक लिस्ट. इवन दो इतने सालों से वो लोग कंप्लायंस नहीं कर रहे ठीक से, फिर भी FATF के प्रेसिडेंट ने बोला है कि हम लोग उनको ब्लैक लिस्ट में तो नहीं डाल रहे. एज दे से इट कंटिन्यूज टू कॉपरेट, क्योंकि FATF के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि स्टिल पाकिस्तान हमें कॉपरेट कर रहा है इसलिए हम उनको ब्लैक लिस्ट में नहीं डालेंगे. ऑन द अदर हैंड FATF हैज ऑल्सो सेड दैट इट विल नॉट रिमूव पाकिस्तान फ्रॉम द ग्रे लिस्ट डिस्पाइट द कंट्री कंप्लीटिंग 26 out of 27 ऑफ द ओरिजिनल टास्क इट वॉज असाइन. सो फर्स्ट बैच में उनको 27 टास्क दिए थे, उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट वाला जो टेररिस्ट के अगेंस्ट कन्विक्शन और प्रोसिक्यूशन करना है वो नहीं हुआ है, बाकी सारे टास्क हो चुके हैं, फिर भी उनको ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा. द एक्शन ओपन द वर्ल्ड बॉडी टू एक्यूजेशन ऑफ पॉलिटिसाइजिंग द प्रोसेस. सो इसके वजह से ये एक्शन की वजह से FATF के काफ़ी एलिगेशन लग रहे हैं ठीक है, कि वो लोग पॉलिटिसाइज कर रहे हैं ये प्रोसेस को, वो लोग ठीक से नहीं एक्ट कर रहे हैं. बोथ फ्रॉम दोज वुड लाइक टू सी टफ एक्शन फॉर नॉन कम्प्लायंस बाय पाकिस्तान एंड फ्रॉम पाकिस्तान इटसेल्फ. सो पाकिस्तान नहीं चाहता है कि ग्रे लिस्ट में रहे, इसलिए पाकिस्तान भी क्रिटिसाइज कर रहा है FATF को, और दूसरी कंट्रीज जो उनको ब्लैक लिस्ट में देखना चाहती है उनको भी प्रॉब्लम है FATF जो कर रहा है उससे. तो पाकिस्तान इटसेल्फ को प्रॉब्लम है जिन्होंने इंडिया को अक्यूज किया है फॉर टर्निंग द टेक्निकल प्रोसेस इनटू अ पॉलिटिकल वन बाय टारगेटिंग पाकिस्तान. सो पाकिस्तान ने इंडिया को टारगेट किया है बाय सेइंग कि टेक्निकल प्रोसेस को आप पॉलिटिकल बना के हमें ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू करवाया है, ऐसा पाकिस्तान ने इंडिया पे ब्लेम डाला है. एज अ रिजल्ट FATF मस्ट स्टॉप किकिंग द प्रोवर्बियल कैन डाउन द रोड. इट मस्ट इंश्योर दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ पाकिस्तान इज नॉट एन ओपन एंडेड प्रोसेस एंड इज ब्रॉट टू अ क्रेडिबल एंड इफेक्टिव कंक्लूजन एट द अर्लीस्ट. तो ये अभी FATF को ध्यान रखना है कि पाकिस्तान कुछ भी बोले इंडिया पे भले कुछ भी ब्लेम करें, बट FATF को ये मेश्योर करना है कि अगले रिव्यू में वो इफेक्टिव कंक्लूजन कुछ लाए. इन लाइट ऑफ स्पेशली डेवलपमेंट्स इन अफगानिस्तान एंड कंसर्न्स ओवर ग्रोथ ऑफ ट्रांसनेशनल टेरर ग्रुप्स सच एज अलकायदा एंड ISIL,
as well as Jaish e Mohammed and Lashkar e Taiba, taking advantage of Taliban takeover to build new safe havens and financing networks. It is particularly important that FATF keep its commitment from 2001 when it added terror financing to its mandate to prevent all terror groups from accessing these funding networks. तो अभी तो बहुत ज़रूरी हो गया है एफ ए टी एफ के लिए कि वो टेररिज्म के अगेंस्ट और उनके फंडिंग नेटवर्क्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस ले जो उन्होंने अपने टास्क में एफ ए टी एफ ने डाला है 2001 से, तो अपने मैंडेट में भी डाला है क्योंकि अभी अफगानिस्तान में तालिबानीज जो एक्चुअली टेररिस्ट है वही पूरी पूरा देश चला रहे हैं. इट्स वेरी ऑब्वियस दैट दूसरे जो पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप्स वो लोग सेफ हेवन्स तालिबान को बनाएंगे और अपनी एक्टिविटीज़ करेंगे. ऊपर से लोग ह्यूमैनिटेरियन एड्स भी कर रहे हैं अलग अलग कंट्री उधर, पता नहीं ह्यूमन तक पहुँचेगी ना पहुँचेगी, टेररिस्ट तक ये हेल्प ज़रूर पहुँचाएगी. सो इट्स वेरी नेसेसरी कि एफ ए टी एफ को अभी इट्स हाई टाइम के कुछ कंक्लूजन अच्छा लाना चाहिए. सो ये था एक बड़ा इम्पोर्टेंस एडिटोरियल एफ ए टी एफ के बारे में, आपको ध्यान में रखना है. इसमें 39 मेंबर ग्रुप है एफ ए टी एफ, देन उनके एफ ए टी एफ के प्रेसिडेंट कौन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हो अपनी बुक्स में, ये ध्यान में रखना. बाकी सिर्फ नॉलेज रखना है, इसका लिखना नहीं है पूरा. ओके, दैट वॉज योर फर्स्ट एडिटोरियल. आई एक्सप्लेन्ड इट टू यू इन वेरी मच इन डिटेल. अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है एक्सप्लेनेशन, तो ज़रूर लाइक बटन हिट करना, कमेंट करके मुझे बताना समझ में आया या नहीं. बोलो बच्चों जल्दी से. नहीं, निलाक्ष आज ग्रीन स्क्रीन नहीं ली, यूज की है बिकॉज आई एम समवेयर एल्स. यस राहुल, इट्स क्वाइट लाइकली कि ऐसे पैराग्राफ आ सकते हैं, आपके पैसेजेस आ सकते हैं क्वेश्चन में, एग्जाम में. Here tone of the author is basically FATF ने जो किया है, our editor is also not satisfied with it. He says that उनको कुछ concluding actions लाने चाहिए, means blacklist में डालना चाहिए. चलो जल्दी से सब लोग लाइक बटन हिट कर देना अगर अच्छा लगा है एडिटोरियल का एक्सप्लेनेशन. फिर मैं चालू करती हूँ सेकेंड एडिटोरियल गाइज. मीटिंग अ क्राइसिस. तो 31 अक्टूबर को ग्लासगो में यूके में क्लाइमेट समिट होने वाला है जहाँ मोदी जी भी जा रहे हैं खुद हमारे पीएम, तो उसके बारे में ये एडिटोरियल दिया गया है. लेट अस सी एडिटर का क्या ओपिनियन और कमेंट है. ओके, सो मिटिगेटिंग अ क्राइसिस, द सीओपी कैन एट बेस्ट इंसेंटिवाइज अडेप्टेशन दैट एज अ ट्रांजिशन टूवर्ड्स क्लीन एनर्जी. तो सीओपी से इंडिया को बेस्ट हेल्प क्या हो सकता है, एक इंसेंटिवाइज अडेप्टेशन. अगर हम अडेप्टेशन करें ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी के तरफ, तो इंसेंटिव मिलेंगे गवर्नमेंट के पास से, उसकी हेल्प हम मांग सकते हैं. बाकी तो कुछ हेल्प ज़्यादा उसके अलावा नहीं होगा. सो इन अ वीक हेड्स ऑफ स्टेट फ्रॉम एटलीस्ट 120 कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू कन्वे इन ग्लासगो फॉर द 26th मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज. सो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सी ओ पी बोला जाता है, यूनाइटेड नेशंस का मीटिंग होगा. 120 कंट्रीज के मेम्बर्स इसमें अटेंड करेंगे. ठीक है, द एनुअल 2 week लॉन्ग एक्सरसाइज वॉज डिस्टरप्टेड लास्ट ईयर ड्यू टू COVID-19. सो ऑलवेज यू नो ये एनुअली होता है ये कॉन्फ्रेंस, बट लास्ट 2 years कोविड के वजह से लास्ट ईयर नहीं मिल पाए, अभी ये साल मिल रहे हैं. पर्सनली हमारे PM भी जा रहे हैं वहाँ पे. The year 2020 was to have been an important year in the COP calendar as most of the major economies were expected to review the actions undertaken so far in the meeting voluntary targets to reduce greenhouse gas emission in line with Paris Agreement of 2015. So 2020 का साल काफ़ी important था ये meeting में, क्योंकि सभी countries को review करना था Paris Agreement 2015 में जो हुआ greenhouse gas emission को कम करने के बारे में, उन सभी कंट्री को रिव्यू करके बताना था मीटिंग में वॉलंटरली कि क्या वो लोग का एक्शन है इसके लिए. हाउएवर डिसरप्शन हैज मेंट दैट दिस डिस्कशन विल नाउ
मूव टू ग्लासगो. अभी क्योंकि लास्ट ईयर नहीं हो पाया, 2020 का साल इम्पोर्टेंट था रिव्यू करने के लिए, तो नहीं हो पाया, तो इसलिए ये साल वो एजेंडा पहला रहेगा ग्लासगो की मीटिंग में. फॉलोइंग द एग्जिट बाई फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फ्रॉम पेरिस अग्रीमेंट, बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज मेकिंग अ कंसर्न एफर्ट सॉरी कंसर्टेड एफर्ट टू कमेमोरेट द कंट्रीज रिटर्न. तो पेरिस अग्रीमेंट से डोनाल्ड ट्रंप ने तो एग्जिट किया था, एंड उसी में बिडेन ने एंटर वापस किया है आफ्टर ही बिकेम यूएस प्रेसिडेंट. एंड वो ट्राई करे कि अग्रीमेंट में वापस आए और जो भी उनकी उसके लिए फुलफिल करना है वो सारी चीज़ें फुलफिल हो. टू दिस एंड इट हैज सेंट एमिसरीज एंड मल्टीपल डेलीगेशन टू सेवरल कंट्रीज टू कॉक्स देम इनटू कमिटिंग टू सम सॉर्ट ऑफ डेडलाइन और अ नेट जीरो टाइमलाइन बाय व्हेन द एमिशंस वुड पीक एंड इवेंचुअली अबेट. और इसी के लिए, इसी के फॉलो अप एक्शंस के तौर पे बिडेन ने अपने रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग कंट्रीज में मीटिंग करने के लिए भेजे हैं, जैसे कि इंडिया में भी आए थे उनके फॉरेन मिनिस्टर टू नो टॉक अबाउट द डेडलाइन के कब तक आप लोग ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करोगे या नेट जीरो कार्बन एमिशन करोगे. ये सब चीज़ के लिए खुद यूएस आफ्टर बिडेन्स एडमिनिस्ट्रेशन बहुत एक्टिवली वर्क कर रहा है. टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस नेट जीरो एमिशंस वुड हैव टू बी अचीव्ड बाय 2050 एंड एमिशंस वुड नीड टू बी ड्रास्टिकली कट बाय एटलीस्ट 45% फ्रॉम 2010 लेवल्स बाय 2030. सो 2050 तक तो हमें एकदम कार्बन एमिशन जीरो कर देने हैं, तो ही 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का हम ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट कर पाएंगे, वरना और बढ़ जाएगा. एंड उसमें भी 45% तक का तो 2030 तक ही अचीव करना पड़ेगा, जो 2010 के लेवल्स थे उसके कंपेरिजन में 45%. इंडिया एंड चाइना मेजर एमिटर्स ऑफ द वर्ल्ड दैट हैवंट कमिटेड टू एनी 2050 डेडलाइन. और अभी तक इंडिया ने ये डेडलाइन को कमिट नहीं किया है. दो इंडिया और चाइना बिगेस्ट एमिटर्स हैं. दैट आर्ग्यूमेंट विच हैज बीन कंसिस्टेंट फॉर मेनी ईयर्स इज दैट द क्लाइमेट क्राइसिस एग्जिस्ट because of excess emissions of the developed west for more than a century. का आर्ग्यूमेंट यही है कि जो डेवलप्ड है ऑलरेडी नेशंस वेस्टर्न कंट्रीज के, उनकी वजह से ये एक्सेस एमिशन ज़्यादा हुआ है. ठीक है, एनी अटेम्प्ट एट सॉल्विंग द क्राइसिस, और वो लोग 100 साल से ये एमिशंस कर रहे हैं. एनी अटेम्प्ट एट सॉल्विंग द क्राइसिस वुड इन्वॉल्व द वेस्टर्न कंट्रीज डूइंग मच मोर देन वॉट दे हैव कमिटेड टू एंड एट द वेरी least making good on promises already ensured in previous editions of the COP. India और China की ये बोलना है कि western countries को उन्होंने जो अभी commitment भी दिया है ना, उससे much more करने की ज़रूरत है, because सारे अभी जो crisis होने के chances है वो उन लोग की वजह से ही हो रहे हैं. ओके, और उन्होंने जो previous editions of COP में promise किया है ना, उससे भी ज़्यादा उनको करने की ज़रूरत है western countries को. As years of COP negotiations have shown, progress is glacial and the effort is more on delivering a headline announcement rather than genuine operationalization of the steps that need to be taken. So COP ke negotiation ke baad zyada karke yahi dikha hai ki headline announcement bahut hoti hai, but uski jo steps honi chahiye effect usko implementation ki wo zyada acche se nahi liye jaate hain. In real terms, for developed countries, complying with the demand by developing countries to pay reparations means shelling out sums of money unlikely to pass domestic political muster, and for developing countries, yielding to calls for net zero means that the government such as India will appear as having caved into international bullying. So in इंडिया के एडिटर का ही, हमारे एडिटर का ही ओपिनियन है, इन रियल टर्म्स डेवलप्ड कंट्रीज कंप्लाइंग विद द डिमांड बाय डेवलपिंग कंट्रीज टू पे रिपारेशंस मींस शेलिंग आउट सम्स ऑफ मनी अनलाइकली टू पास डोमेस्टिक पॉलिटिकल मस्टर. मतलब ये तो ऐसा हो गया कि डेवलप्ड कंट्री, आप लोग डेवलपमेंट करके बैठे हो, अभी बोलते हो कि अभी कार्बन एमिशन नहीं करना है, और जो कंट्री और भी डेवलप हो रही है, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, उनको बोला जा रहा है कि हमने जो नुकसान किया है ना, उसकी भरपाई आप अपने पॉकेट से करो, बाय नॉट बट यू गाइज नॉट डेवलपिंग योर सेल्फ.
तो हम कार्बन एमिशन कम करके हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, और उन्होंने जो डेवलपमेंट के चक्कर में खराब किया है उसकी भरपाई हम करें, ऐसा हो जाएगा इधर. एंड डेवलपिंग कंट्रीज यील्डिंग टू कॉल्स फॉर नेट जीरो मीन्स दैट द गवर्नमेंट, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट को इंटरनेशनल बुलिंग करे, लाइक इंटरनेशनल कंट्रीज बुल कर पाएगी, बुलिंग कर पाएगी उनका. द COP रिस्पाइट्स ऑल द मीडिया इंटरेस्ट जनरेट्स कैन एट बेस्ट इंसेंटिवाइज अडेप्टेशन दैट एज द ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी. तो COP भले बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बट मेन इसका एक ही काम इससे हो सकता है बेनिफिट इंडिया को तो स्पेशली, कि कुछ इंसेंटिव यू नो ऑफर करे क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने के लिए. बट इवन विदाउट इमीडिएटली रिटायरिंग फॉसिल फ्यूल एसेट्स, द वर्ल्ड नीड्स टू फ्रेम अ मीनिंगफुल रिस्पॉन्स टू वार्मिंग द ग्लोब. तो भले इमीडिएटली फॉसिल फ्यूल एसेट्स ना जनरेट करें, बट डेफिनेटली वर्ल्ड को बहुत मीनिंगफुल रिस्पॉन्स तो चाहिए ही ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट, क्योंकि ये सीरियसली प्रॉब्लम में है. अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, ये भले एडिटर में, ये भले इंडिया के गवर्नमेंट कुछ भी बोल रही है, बट एक्चुअली स्पीकिंग इंडिया में सबसे खराब असर हुआ है ग्लोबल वार्मिंग का एज कम्पेयर टू दोज वेस्टर्न कंट्रीज. इंडियन ओशन जितना वार्म हो रहा है उतना कोई और ओशन नहीं हो रहा है. तो वी मस्ट फर्स्ट ट्राई टू डू इट फॉर आर सेल्फ, नॉट वर्ल्ड जाने दो, बट हमारी खुद की कंट्री के बेनिफिट के लिए भी ये पहले करना ज़रूरी है. डेवलपमेंट भी तभी काम लगेगा ना जब भी लोग जिंदा रहेंगे, एंजॉय कर पाएंगे. कंट्री डूबी जाएगा तो क्या करोगे तुम डेवलपमेंट का. ये था सेकेंड एडिटोरियल, आई होप आप सबको समझ में आया. समझ में आया तो अगेन लाइक बटन हिट कर देना और कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो. इट्स ओके, मतलब नॉट ग्रेट, यू कैन इम्प्रूव अर्पिता. नो राहुल, फॉर 2023 एस्पिरेंट जस्ट कैजुअली वॉचिंग दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस वुड हेल्प. आपको हेल्प करेगा सर, एक बार कैजुअली जस्ट देखो. आपको लिखना विकना नहीं अभी 2023 एस्पिरेंट के लिए, तो नेक्स्ट ईयर के न्यूज़ लिखने होंगे. अभी क्या आप ध्यान रखें सो दैट नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छा बेस आपका क्रिएट हो जाएगा. सिर्फ देख लीजिए, सुन लीजिए, लिखना नहीं है, नोट्स नहीं बनानी है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, पाकिस्तानी प्रिजनर किल्ड इन पूंछ फायरिंग. एक पाकिस्तान के प्रिजनर पुंछ एरिया में फायरिंग हुआ, उसमें मारे गए. जिया मुस्तफ़ा लश्कर ए तैयबा के ऑपरेटिव थे. ही वॉज बींग टेकन टू फॉरेस्ट एरिया टू आइडेंटिफाई हाइड आउट, पुलिस सेज़ हो. पुलिस ने बोला कि यू नो आइडेंटिफाई करने के लिए वो जहाँ छुप रहे थे उनको फॉरेस्ट एरिया में लेके जाया गया और वहाँ उनको मार दिया गया है. फिर लिखना नहीं है ये न्यूज़ भी गाइज. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं. तो इंडिया ने तालिबान को काफ़ी वीट ह्यूमैनिटेरियन एड के तौर पे देने का प्रॉमिस किया है, राइट? और काफ़ी दूसरी कंट्रीज़ ने भी हेल्प किया है तालिबान को अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान में हंगर इश्यू के लिए. सो तालिबान ऑफर्स जॉब्स फॉर वीट टू टैकल हंगर. अगर आप जॉब्स लोगे ना हमारी, तो हम आपको वीट देंगे सामने. हंगर को टैकल करने के लिए उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफर की है. अभी जॉब भी वैसे तो उधर कैसी होगी पता नहीं. इट्स अ की स्टेप फॉर फाइटिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा मुजाहिद का बोलना है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज, अडानी इज गोइंग टू मीट गोताबाया. गोताबाया राजपक्ष इज अ प्रेसिडेंट ऑफ द श्रीलंका. उनको मिस्टर अडानी, गौतम अडानी जाके मिलेंगे कोलंबो में, क्योंकि अडानी ग्रुप का वेस्ट टर्मिनल में यू नो एक बड़ा वो लोग कंटेनर वगैरह एक डेवलपमेंट बना रहे हैं. सो डेवलप करें मेजर पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट उनका, राइट, कोलंबो में. तो उसके लिए मिस्टर अडानी इज गोइंग टू मीट गोताबाया, गोताबाया राजपक्ष द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश. एंड बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़ में सबको ये तो पता ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. बहुत गंदी तरीके से इंडिया कल हार गया मैच में पाकिस्तान से, हाथ में दे दी हमने मैच उनको. सो आफ्टर 12 टाइम्स कंटिन्यूसली इंडिया विनिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, येस्टरडे फाइनली पाकिस्तान वन अगेंस्ट इंडिया द मैच, क्रिकेट मैच. ओके, टू बी स्पेसिफिक. सो या गाइज, ऑलमोस्ट सारी न्यूज़ आज के दिन की मैंने कवर कर ली है. आई होप गाइज दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू एवरी वन. थैंक यू सो मच. अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक बटन हिट करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा.
एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है, सो दैट एक भी सेशन मिस ना हो। इसके अलावा ये सेशन मेरी आज फ्री वाली क्लास हो रही है, रात को 9:30 से 10:30, डोंट फॉरगेट टू अटेंड, बिल्कुल फ्री वाली क्लास है। अनएकेडमी प्लेटफॉर्म पे स्टैटिक जीके का क्विज होगा, क्विज के थ्रू फन वे में स्टैटिक जीके लर्न करना है आपको। ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।